गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम टू एमबीए करो। सो इन दिस रिविजन सीरीज फॉर मैट, लेट्स हैव द रिविजन ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन एज वेल। ओके, सो वी हैव कवर्ड थ्री सेक्शंस दस फार। वी हैव कवर्ड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड वी हैव कवर्ड इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, देन मैथमेटिकल स्किल्स। नाउ इट्स टाइम फॉर डू to do language comprehension. So English 40 marks, the least time taking section, like among the scoring sections. Of course GK does not take any time, hardly any time, but among the other aptitude sections, this is the section which takes the least time, right? So you can finish this in 25-30 minutes at max. Okay, and try to do it as fast as possible so that you can give time to other sections. So here you can save time. In other sections, like it is, like it will take time. Like it is, like if you are doing solving reasoning puzzles or if you are doing quant questions, DI questions, it is going to take time. But English is somewhere where you can save time by, so, like for example, the grammar questions hardly take any time. You can choose to skip one or two RCs. उस पे भी बात करेंगे कि RC छोड़ना चाहिए and all. ठीक है, और बाकी सेक्शन फटाफट किया जा सकता है। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन आल्सो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल व्हिच इज बाय द नेम एमबीए करो। सो दिस इज द जनरल पैटर्न ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, इसमें चार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आते हैं। सो 20 क्वेश्चंस, 5-5 like questions each, and if I talk about the length of these passages, so these passages are not very long, 300 to 350 words in the general length rehti hai. Like in CAT you have around 450-500 word passages, MAT mein chote passages aate hain 300-350. They are not from those difficult topics jaise CAT mein hota hai, philosophy, psychology, aise nahi aata hai. It is like generic, maybe some story kind of thing, or maybe economy, business, okay, or science research. So comparatively easy RCs, questions bhi easy aate hain, okay. So not like CAT when it's hota hai ki inference, isme aapko poochte hain, information di hoti hai, usme se you have to figure out ki matlab aapko bas padhna hai aur lines ko dhoondna hai, wahan se answer dekhna hota hai. ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना है या कुछ क्रिटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन नहीं होता है, राइट? दे विल नॉट आस्क व्हाट विल यू फ्रॉम वेयर कैन यू व्हाट डज द ऑथर अप्लाई बाय दिस थिंग, सो ऑल दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट देयर. सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इंफॉर्मेशन दी होती है, वो आपको ढूंढनी होती है, ठीक है? और वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं एक, and then you have apart from RC there are around 5 questions on vocab, synonym, antonyms. ठीक है, vocab में आपका synonym antonym के साथ साथ phrases भी आता है. synonym antonym के साथ साथ they can ask you about meanings of different phrases and idioms. ठीक है, ये चीजें इनमें से questions आ जाते हैं कुछ एक. then you have fill in the blanks. ठीक है, error spotting में आपको ढूंढना होता है कि किस part में error है, all those things, या highlighted part में error बताना होता है, एंड पैरा जम्पर. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर. ठीक है, 20 आरसी होंगे, 20 नॉन आरसी क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज अ आरसी. ठीक है, तो एक आरसी पढ़ते हैं. पैसेज है, रीड दिस पैसेज, टेक सम टाइम, 5 मिनट लो, इस पैसेज को पूरा पढ़ो. ठीक है, 5 तो क्या 2-3 मिनट में हो जाना चाहिए पढ़ने वाला पार्ट, एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. ठीक है, तो इस तरह के पैसेज आते हैं जो नॉर्मल लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते. ठीक है, रीड दिस पैसेज, इट इज अबाउट लाइक डिफरेंट जनरेशन ऑफ पीपल एंड द टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड. हाउ इज टेक्नोलॉजी इफेक्टिंग टुडेज जनरेशन. Thank you.
सो पैसेज करने का तरीका होता है पहले उसे पैसेज को ब्रीफ ओवरव्यू से समझो, ठीक है, एंड देन सी टू द क्वेश्चंस। सो आई होप यू मस्ट हैव रेड द पैसेज बाय नाउ, ठीक है। तो चलो पैसेज समझते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ इट टॉक्स अबाउट द जनरेशंस। देयर आर आजकल के दिन आप सुनते हो ना जेन जी, ठीक है, मिलेनियल्स एंड जेन जी। सो मिलेनियल्स आर जेन वाई एंड जेन जी। सो इट इज टॉकिंग अबाउट टिल जेन एक्स, राइट? यू गाइस आर जेन जी, वी आर जेन वाई, ओके, एंड बिफोर अस द जनरेशन मे बी द पीपल हु आर 5 years ओल्डर और 10 years ओल्डर देन अस आर जेन एक्स, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट जनरेशन। सो ग्रेटेस्ट जनरेशन साइलेंट्स, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, दीज आर द ओनली जनरेशन अलाइव टूडे हू रिमेंबर अ वर्ड विदाउट कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स। सो इट सेज दैट दे इन द चाइल्डहुड दे डिड नॉट हैव दीज फैसिलिटीज, राइट? सो दे स्पेंट अ मेजोरिटी ऑफ द चाइल्डहुड आउटडोर्स। ओके, सो ये बता रहे कि ये जो पुरानी जनरेशन है दे स्पेंट मेजोरिटी ऑफ चाइल्डहुड आउटडोर्स, एंड नाउ दे हैव ऑल्सो टॉक अबाउट दैट द ओबेसिटी रेट इन अमेरिका वाज 9% एंड इट हैज रिजन। सो ओबेसिटी रेट बढ़ गया, ठीक है। नाउ द ऑथर इज क्वेश्चनिंग दैट डज इट हैव एनी रिलेशन विद टेक्नोलॉजी एडिक्शन, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी इस टाइम पे 1950s में, तो ओबेसिटी कम था और अब ओबेसिटी रेट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। सो लाइक देर आर नाउ इट सेज दैट देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट इट इज सेड दैट हु स्पेंड 5 hours अ डे प्लेइंग वीडियो गेम्स और टेक्सटिंग देयर सेल फोन्स, एंड द टिपिकल चाइल्ड स्पेंड 30 मिनट्स आउटसाइड पर डे। सो नाउ द आउटसाइड टाइम हैज रिड्यूस्ड एंड दीज वीडियो गेम्स एंड ऑल दोस लाइक सेल फोन्स द टाइम हैज इंक्रीज्ड। ओके, सो दैट कुड बी वन रीजन फॉर ओबेसिटी, मोटापे का कारण हो सकता है। ओके, बीइंग आउटडोर्स हैज बीन प्रूवन टू अ बेनिफिशियल। नाउ इट टॉक्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ आउटडोर, ठीक है। पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि टेक्नोलॉजी लाइक दिस विद टेक्नोलॉजी पीपल हैव बिकम ओबीस, ठीक है, टेक्नोलॉजी से ओबेसिटी आ गई। नाउ इट सेज दैट इट हैज बिकम बेनिफिशियल। हाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? बॉडी माइंड स्पिरिट, ठीक है, इसमें विटामिन डी मिलता है, राइट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। सो ऑल इट टॉक्स अबाउट द ऑल बेनिफिट्स, राइट, एंड दिस दिस दिस, ठीक है, इससे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, स्ट्रेस लेवल डिक्रीज, ये सारे बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं आउटडोर एक्टिविटीज के। बेनिफिट्स की बात हो रही है इस पैसेज में, ठीक है। देन इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पैराग्राफ, एडिक्शन टू सम फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आर रियल मेडिकल कंडीशंस। नाउ इट कम्स बैक टू दैट लाइक टेक्नोलॉजी थिंग दैट वाज सेइंग कि लाइक इट इज बैड। इट इज सेइंग दैट एडिक्शन हैज कॉज सर्टेन certain problems, right? So what are the kind of problems that people start forgetting about their family members, okay, because they are immersed in virtual life. Virtual life mein ghuse rehte hain, to real life mein they do not pay much attention, theek hai? Then there is a term called nomophobia, fear of being separated from cell phones, no mobile phobia, okay, and then it is like a psychological disorder, so it calls it, it's a technology is a psychological disorder, ठीक है। तो ये तीन पैराग्राफ में ये आरसी यही कह रहा है, ठीक है। ऑल राइट, नाउ ऑल दिस थिंग्स हैव बीन गिवन, सो दैट टॉक्स अबाउट कि इससे क्या क्या होता है और क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं लोगों बच्चों में, आजकल के बच्चों में, ठीक है। सो नाउ लेट अस नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, ट्राई टू answer them. So here's the first question.
So it's saying in which generation the computer was not present since the start. So which of these generations? The greatest generation, the silence, the baby boomers. सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको पैसेज पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है कहाँ पे वो कह रहा है और आंसर करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है, पहली लाइन कह रहा है ना पैराग्राफ की, दीज ऑल जनरेशन, सो ऑल दीज जनरेशन हैव बीन मेंशन, सो ऑल थ्री जनरेशन दे डिड नॉट हैव कंप्यूटर्स एट द स्टार्ट ऑफ द, ठीक है, सारे जनरेशन के नाम मेंशन है। व्हाई इज इट बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन टू बी आउटडोर्स, व्हाई इज इट बेनिफिशियल, सो ये कौन से पैराग्राफ में बात कर रहा है, सेकंड पैराग्राफ में बात कर रहा था ना आउटडोर्स की बेनिफिट्स की, सो टेल मी व्हाई इट इज बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन टू बी आउटडोर्स, सो लेट अस सी ऑप्शन बाय ऑप्शन, ठीक है, पैसेज में जाने से पहले देखते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन, दे कैन स्पेंड मोर टाइम विद नेचर, कह तो रहा है कि पीपल स्पेंड टाइम इन नेचर एंड ऑल दोस, बट दैट इज नॉट द रीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे बेनिफिशियल टू चाइल्ड्स बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है, सो इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल थ्री थिंग्स, ठीक है, सो इट इज बेसिकली लाइक टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बॉडी इज फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ एंड ऑल, ठीक है, सो दिस इज ठीक है मोर टाइम विद नेचर बट दैट इज नॉट द मेन रीजन, ओके, बीइंग आउटडोर्स हेल्प्स इंक्रीज नियर साइटेडनेस, ये एक छोटा सा पार्ट है, कहीं पे लिखा है कि इट प्रिवेंट्स नियर साइटेडनेस, ठीक है, सो इट इज नॉट द मेन रीजन, ठीक है, सो यू हैव टू लुक एट द मेन रीजन, नियर साइटेडनेस ठीक है एक एक इश्यू है दैट कैन बी प्रिवेंटेड इफ लाइक इट इज can improve that thing, distance vision, right? But that is not the main reason. Being outdoors helps children in their homework? No, that is against, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं. Being outdoors helps children improve their physical health. So that is the main part it is talking about. ठीक है, वो कह रहा है ना बच्चों की health improve होती है, ठीक है, उन्हें vitamin D मिलता है, so main चीज़ है यही कह रहा है, ठीक है? All right. So children can learn about nature, ठीक है? Children ये nature वाली बात नहीं, main चीज़ है कि health improve, ठीक है? Alright. What could be the reason for the high stress levels of the children? High stress level के reason क्या है? इसमें से मैट में 160 तो मार्क्स तो किसी के आते ही नहीं है, इतना कहाँ कर पाओगे, 140 पे आ जाते हैं, 99.99, 140, 145 उससे ज्यादा स्कोर नहीं जाता है, कैन यू सॉल्व 160 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स 100% एक्यूरेसी के साथ, 160 का तो टोटल पेपर होता है, एग्जाम देने से पहले थोड़ी रिसर्च विसर्च किया करो, पता नहीं कहाँ जीके तो काउंट ही नहीं होता स्कोर में, बट हाँ जीके अटेम्प्ट करके आना चाहिए, कुछ कॉलेजेस जीके का स्कोर कंसिडर करते हैं, सो 140 आई क्रिएटेड अ वीडियो राइट, वाज दैट वीडियो दैट आई टोल्ड कि कितने स्कोर पे कितने परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके, सो रीजन फॉर हाई स्ट्रेस लेवल्स, ठीक है, तो देखो इंक्रीज टाइम स्पेंड ये सब नहीं है, फास्ट पेस, देखो यहाँ पे पैसेज बात ही टेक्नोलॉजी की कर रहा है कि पीपल आर स्पेंडिंग टाइम ऑन टेक्नोलॉजी दैट इज नॉट गुड एंड इट इज कॉजिंग स्ट्रेस एंड ऑल, ठीक है, सो वी कैन से दैट इट इज द रीजन। एडिक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग ट्रीटेड एज एन इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर, इंपल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर, वेयर डज इट टॉक अबाउट दिस, एक्यूरेसी, सी एक्यूरेसी इन वीआरसी इज नॉट कंसिस्टेंट राइट, इट कीप्स चेंजिंग, मे बी यू हैव
70% accuracy, sometimes you might have 90% accuracy. That is not consistent. हाँ, क्वांटिटी है ना, यू आर श्योर ना कि ये सही होगा यार, सी यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ, मतलब कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए या फिर और समटाइम्स यू गेस आल्सो ट्राइंग टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस, ऑल्दो इन दिस इट इज नॉट द केस. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इंपल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है. ठीक है, सो इट इज टॉकिंग अबाउट एडिक्शन टू वीडियो गेम्स. सो इट इज टॉकिंग अबाउट वीडियो गेम्स, सो दिस काइंड ऑफ पैसेजेस यू विल गेट. ठीक है, सो जहां से मतलब इंफॉर्मेशन उठाएगी वहां से सीधा सीधा पूछ लेगा. एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको दो चार लाइन एक्स्ट्रा आगे पीछे पढ़नी पड़ेंगी, बट डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देगा. राइट, यू विल नॉट हैव टू लाइक, दे विल नॉट आस्क यू कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. इन्फरेंस इन्फरेंस कुछ नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, लाइक आपने देखा होगा सी मैट एंड ऑल दोस थिंग्स, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं. एंड वन और टू क्वेश्चन मे बी फ्रॉम वो कैब ऑल्सो, मतलब हो सकता है एक पैसेज में कोई एक क्वेश्चन वो कैप का आ जाए, लाइक दे विल आस्क यू वन वर्ड, हो सकता है वो बोल्ड में हो या नहीं भी हो सकता बोल्ड में. सो इट आस्क दैट व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड स्काई रॉकेटेड एज यूज इन द पैसेज. सो इफ यू नो द मीनिंग, ठीक है, स्ट्रेट अवे कर दो. कभी कभी नहीं हो सकता मीनिंग, तो लुक फॉर द वर्ड इन द पैसेज, यू विल गेट द मीनिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस. So skyrocketed, let us say, I do not know what is the meaning of skyrocketed. Okay? Now if I see this word where it is mentioned, yahan pe dikh raha hai mujhe word skyrocketed, isn't it? Now let us read this line. It is saying, it is just a coincidence that soon as generation started becoming addicted to technology, obesity rates skyrocketed. Okay? So yahan pe isse just pehle kya keh raha, obesity rate ki baat kar raha hai. Pehle 9% tha, phir 33% ho gaya. Okay? तो काफी बढ़ गया, राइट. सो इट इज टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी रेट्स आर स्काईरॉकेटेड, मतलब स्काईरॉकेटेड का मतलब हो जाएगा इंक्रीज्ड. सो इवन इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ स्काईरॉकेटेड, मतलब ऐसे जनरली यू कैन रीड द लाइंस, एक दो लाइन आगे पीछे पढ़ लो, राइट, यू विल गेट द मीनिंग. सो इट मींस इंक्रीज. एंड इफ यू नो, यू डू नॉट नीड टू रीड द पैसेज अगेन. आपको पता है स्काईरॉकेटेड मींस इंक्रीज्ड होता है, सो जस्ट मार्क द आंसर. ओके, सो दिस इज जनरली द लेंथ ऑफ पैसेज. इतने बड़े आएंगे 300-350 वर्ड्स के direct direct questions. Okay, all right, so let us do some other questions, fill in the blanks, grammar, etc. So here's the next question. It says, like, you have to fill in the blanks. Appropriate word kaun sa aayega. The morning dash was shattered by her terrified screams. Routine, services, tranquility, prayers, excitement, क्या आना चाहिए. Now see this, ठीक है, terrified screams, so हल्ला हुआ है. ठीक है, सो लेट अस से लाइक कैसे फिगर आउट करना है. सो शैटर्ड बाय मींस देयर इज सम कुछ इसमें चेंजेस आ, मतलब वो हिल गई कोई चीज. ठीक है, बाय हर टेरिफाइड स्क्रीम्स. सो रूटीन नहीं, ऐसे कुछ रूटीन में कोई हल्ले से कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सर्विसेज ना वॉज दिया है. ठीक है, तो एनी वे दिस शुड बी समथिंग सिंगुलर, इट कैन नॉट बी प्लूरल थिंग. ठीक है, तो सर्विसेज प्रेयर्स नहीं हो सकता. एक्साइटमेंट वो शैटर्ड, कोई इतना सेंस नहीं बन रहा है. दिस मेक्स द मोस्ट सेंस. सो ट्रैंक्विलिटी मीन्स द पीस और साइलेंस. सो ट्रैंक्विलिटी मीन्स साइलेंस, पीस. सो इट वॉज साइलेंट एंड शी हैड स्क्रीम्स, तो इसके ऑपोजिट चीज होगी ना, लाइक वेन डू थिंग्स गेट शैटर्ड, मतलब कोई चीज हिलती कैसे, मतलब जब ऑपोजिट चीज हो रही है, राइट. सो देट शी स्क्रीम्ड लाउडली, सो देर वॉज साइलेंस एंड दैट वॉज like that got disturbed. So the answer is tranquility. The government failed to dash the steep rise in prices of essential commodities. Tranquility means shanti.
So the government failed to dash the steep rise in prices of essential commodities. क्या सही वर्ड आएगा? एग्जामिन, डिबेट, डिफेंड, चेक, डिक्रीज. डिफेंड, देखो डिफेंड ऐसा होता ना, लेट्स सी कि कौन सा वर्ड सही बैठेगा. एग्जामिन तो नहीं. सो द डिफेंड मींस, डिफेंड जनरली ऐसी जगह पे यूज होता है. डिफेंड इज लाइक इफ यू हैव सम टारगेट. ओके, सो इफ यू हैव सम टारगेट देन इन दैट केस डिफेंड इज यूज्ड. द राइट वर्ड हियर इज चेक. लाइक चेक द राइज इन प्राइस. सो दैट इज अ काइंड ऑफ like I would say phrase also. So check is the right word here. So defend nahi hoga. Defend is matlab jaise like you defend a target kind of thing. So check is the most appropriate. Examine nahi hota hai. Examine to examine matlab see examine matlab ki to let us say research kind of thing. Kisi ki cheez ko find out karne wala sense mein examine use hota hai. Theek hai, maan lo jaise aap koi कोई चीज आप देख रहे हो, राइट? इफ यू आर फाइंडिंग आउट सर्टेन, लाइक इफ यू आर डूइंग रिसर्च एंड फाइंडिंग आउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड एग्जामिन. ठीक है, सो राइट वर्ड इज चेक. चेक द प्राइस मतलब एक चेक रखते हैं ना कि वो, दैट इज द फ्रेज दैट इज यूज, चेकिंग द प्राइस. मतलब कि हाँ, ये इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए प्राइस. ओके, तो आसान है. Sometimes what happens, contextual words matter. ठीक है, मतलब हो सकता है ये words के similar meaning है, but right word used there is check. Dash by the female Anopheles mosquito, malaria is common during the monsoon. These things like improve when you read also. मतलब reading reading करते रहते हो, पता भी रहता है कि हाँ कहाँ पे कौन सा phrase सही use होता है. ठीक है, so typical तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है. Aggravate means to become some, become something worse. ठीक है, मतलब जैसे like you got some injury and it has worsened. So aggravated means worsened. Worsened, something becomes like even in a worse situation. So that does not make sense here. Inflicted means to something which is forced. ठीक है, force तो नहीं करता है मतलब ऐसे, so that also does not look. Acquired तो like when you take something from somewhere, like let's say कहते हैं ना company acquire कर लिया, कुछ acquire कर लिया, so that also transmitted means makes sense, right? Transmit होता है ना, like what do mosquitoes do? They transmit diseases, so that is the correct word here. Transmitted by the female Anopheles mosquito, malaria is common during the monsoon. So that makes sense in this plan. Okay. All right. Let's see the next one. One of the TV cameramen was dashed in the leg by a bullet when he was dashed in the middle of a gunfight between the Russian and Ukrainian armies. So that cameraman was shooting during the war. What happened to him? Some unfortunate event. So simple one, okay. So
बाय अ बुलेट, बुलेट से क्या होगा राइट, इट कुड बी हर्ट शॉट इंजर्ड, स्टैब्ड नहीं होता, स्टैब्ड इज बाय नाइफ, ठीक है, स्टैबिंग इज बाय नाइफ, नाइफ से मारते थे, ठीक है, बीटन भी नहीं होगा, ठीक है, पहले वर्ड में हर्ट भी आ सकता है, शॉट, वन पर्सन कैन बी हर्ट बाय अ बुलेट, शॉट बाय अ बुलेट, इंजर्ड बाय अ बुलेट, राइट, लेट अस सी द सेकेंड थिंग, व्हेन ही वाज, अब वाज के साथ केम नहीं आएगा, ठीक है, व्हेन ही वाज केम, व्हेन ही वाज एंटर्ड नहीं आएगा, वाज के साथ एंटर्ड भी नहीं आ सकता, ठीक है, ठीक है, मतलब ये देखो ये फर्स्ट ब्लैंक में हर्ट शॉट इंजर्ड फिट होता है, बट व्हेन ही वाज एंटर्ड इज इनकरेक्ट, सो व्हेन ही वाज कॉट, सो दैट मेक्स सेंस, ही वाज शॉट, व्हेन ही वाज कॉट, बीच में फंस जाना, देखो सेकंड ब्लैंक में ट्रैप्ड भी आ सकता था, ठीक है, सेकंड ट्रैप में एनगल्ड भी आ सकता था, बट इनमें फर्स्ट में स्टैब्ड नहीं आ सकता, यू कैन नॉट बी स्टैब, स्टैबिंग इज बाय नाइफ, बीटन इज नॉट बाय बुलेट, ठीक है, सो नो द मीनिंग्स एंड कॉन्टेक्चुअल यूज, द ग्रुप्स मिशन इज टू डैश पीस बिटवीन द नेशंस एंड हेल्प डिफरेंट पीपल डैश ईच अदर बेटर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते जनरली, मतलब आप कर ही लोगे, ये होता है इसमें, ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत रीडिंग वीडिंग करते हो, आपको वर्ड्स नॉर्मल वर्ड्स पता रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अजीब से वर्ड पूछ ले, वो कैब में हो सकता है समटाइम्स दे माइट आस्क यू सम सिनोनिम एंटोनिम व्हिच यू माइट नॉट हैव हर्ड, बट जनरली जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आते हैं, वो ऐसे डिफिकल्ट नहीं आते, मतलब आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा अरे यार ये तो मैंने वर्ड ही नहीं सुना, बस थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल बेसिक ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, यू कैन आंसर दिस, सो द ग्रुप्स मिशन इज टू डैश पीस, ठीक है, मेंटेन पीस हो सकता है, रिमेन पीस नहीं हो सकता, रिमेन इन, कीप पीस हो सकता है, एडवाइस पीस, कम्युनिकेट पीस, चलो अब दूसरा ब्लैंक देखते हैं, डिफरेंट पीपल डैश ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, मेंटेन पीस, डिफरेंट पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर पॉसिबल है, कीप पीस, डिफरेंट पीपल इंटरैक्ट, इंटरैक्ट के साथ विद आना चाहिए, ठीक है, इंटरैक्ट ईच अदर नहीं होता कई वर्ड, सो इंटरैक्ट विद ईच अदर होता, ठीक है, डिफरेंट पीपल फाइंड ईच अदर, फाइंड ईच अदर बेटर, मतलब ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, कम्युनिकेट फ्रेंडली ईच अदर, बिकम फ्रेंडली होता तो मेक सेंस, राइट, दिस इज द परफेक्ट, तो वो दोनों वर्ड्स को एक बार एक को देख लो, दूसरे को देख लो, बन जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, इट इज जस्ट अबाउट कि मतलब थोड़ा वोकैब में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे इनकरेक्ट यूजेज कुछ गड़बड़ हो गया, या फिर मतलब इनकरेक्ट यूजेज हो सकता है, लाइक थोड़ा अनकॉमन आ गया, और कुछ वोकैब के कारण आपका टाइम जा सकता है, बट जनरली स्कोर, इट इज ईजी टू स्कोर इन दिस सेक्शन, इन एवरी सेक्शन इट इज लाइक इन क्वांट एंड डीआईओ ऑल्सो, इट इज जस्ट अबाउट सॉल्विंग, आप कितनी फास्ट कर सकते हो, कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, विद हाउएवर नॉलेज आई हैव आई कैन से दैट योर आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट, अगर आपने इंग्लिश कभी ढंग से तैयार की है, ग्रामर वगैरह पढ़ी हुई है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, अबव एवरेज अगर आपकी है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सो देयर इज अ बोल्ड फ्रेज and you have to tell that what is the correct form of this, and if it is already correct, like you have to answer no correction required, so with however knowledge I have, however is kind of like contradictory term, okay, by whatever knowledge I have, with whatever knowledge I have, with whatsoever knowledge I have, सो वॉट एवर नॉलेज, विद वॉट एवर नॉलेज आई हैव इज द बेटर वर्ड, मतलब सही अप्रोप्रिएट इज वॉट एवर नॉलेज, वॉट एवर के साथ विद ही आएगा, बाय वॉट एवर नॉलेज दैट डज नॉट मेक सेंस, विद वॉट एवर नॉलेज इज द करेक्ट वर्ड, अनहर्ड वर्ड में येस मे बी एट सम प्लेसेस यू माइट मेक गेसेस ऑल्सो, ऑल्दो देर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, 0.25 की नेगेटिव होती है, बट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन, He has currently been visiting the flood affected areas.
ये सब चीजों के ना इनके पता होना चाहिए कि हैज बीन आता है तो कैसा वर्ड यूज होता है, ठीक है, आईएनजी आता है तो किस तरह का होता है, इसके साथ किस तरह की, मतलब वो जो वर्ब्स एंड ऑल कौन सा फॉर्म यूज होता है, दैट इज समथिंग दैट इज नीडेड. सो इफ यू नो दोस देन यू कैन आई इजीली डू दिस क्वेश्चंस. He has currently been visiting the flood affected areas. Has been currently नहीं, has been dash के साथ, तो देखो has been के साथ ing फॉर्म जाता है, राइट. आई हैव बीन रीडिंग, वी हैव बीन वॉचिंग, ठीक है, has been के साथ या have been होता है ना, इसके साथ हमेशा ing जाता है, तो दैट इज करेक्ट. ही हैज करेंटली बीन विजिटिंग, सो दैट इज करेक्ट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है. हैज बीन के साथ पास फॉर्म नहीं जाता, ing फॉर्म जाता है. सो दीज बेसिक ग्रामर थिंग्स आपको पता होनी चाहिए, यू कैन डू दिस क्वेश्चन, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, इट इज फाइन, करेक्ट सेंटेंस. हैज बीन के साथ ing जाता है, ही हैज बीन वॉचिंग, राइट, दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो मेनी इयर्स. ओके, सो एक और करेक्शन टाइप का एक पार्ट होता है जिसमें या तो ऐसे लिखा होगा ABCD में, या ऐसे लिखा होगा, ऐसे डैश डैश डाल के लिखा होगा दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी, दिस इज पार्ट सी, फर्क कुछ नहीं पड़ता, वो सेंटेंस को ब्रेक करने का तरीका है, ठीक है. सो टेल मी विच पार्ट हैज द एरर इन इट. तो पूरा एक सेंटेंस ऐसे लिख देंगे, बीच में डैश 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 डाल, सो विच पार्ट हैज द एरर. परसेप्शन ऑफ अदर्स पर्टिकुलरली फैमिली मेंबर्स चेंज्ड व्हेन ही क्वालिफाइड ऑन अ गवर्नमेंट जॉब. सिंपल प्रपोजिशंस के अनुसार किस में एरर है बताओ, और क्या सही होना चाहिए भी बताओ. सो टेल मी व्हाट शुड बी द करेक्ट फॉर्म आंसर. क्वालिफाइड फॉर आएगा, करेक्ट, ठीक है, क्वालिफाइड फॉर अ गवर्नमेंट जॉब आएगा, ऑन की जगह पे यहाँ पे फॉर आना चाहिए, सो दैट पार्ट हैज द, ठीक है, करेक्ट. दैट कस्टमर हैज रिटन अ लेटर थैंक्स द मैनेजर फॉर हर टाइमली हेल्प. अगर आपकी ग्रामर एवरेज है, यू कैन डू वेल इन दिस, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है. वोकैब में थोड़ा सा कुछ जगह पे हो सकता है, ठीक है, मे बी, बिकॉज वोकैब इज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है, किसी की बहुत अच्छी वोकैब होती है, किसी की एवरेज होती है. सो इफ वी सी एट दिस दैट कस्टमर हैज रिटन अ लेटर दैट शुड बी थैंकिंग, यहाँ पे होना चाहिए थैंकिंग द मैनेजर, सो दिस इज द एरर. The Foreign Investment Promotion Board is the government body who regulates investment received by Indian factories from foreign countries. Which part has the error? सो इट सेज दिस इज द गवर्नमेंट बॉडी. सी, एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हु नहीं आएगा, इट शुड बी विच. हु ऑलवेज कम्स विद पीपल, राइट, हु कम्स विद पीपल एंड विच कम्स विद ऑब्जेक्ट्स एंड अदर थिंग्स लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, या
comes only with me, ठीक है, हु की जगह विच आना चाहिए. सो ऐसे सिंपल सिंपल रूल होते हैं ग्रामर्स के, ठीक है. अगर ग्रामर के आपको पता है बेसिक्स, यू कैन मैनेज दिस. ओके, नाउ वोकैबुलरी के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं. मे बी डायरेक्टली आस्क, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है. और एक तरीका ये भी हो सकता है, एक पेयर वाला भी पूछ सकते हैं कि इसमें पेयर्स में बताओ कौन से दोनों सिनोनिम है, कौन से एंटोनिम है. सो लाइक इन आउट ऑफ दीज फोर वर्ड्स, टू वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है. या तो वो सिनोनिम हो सकते हैं या फिर एंटोनिम हो सकते हैं. सो आइडेंटिफाई विच इज दैट पेयर. So if we see these words, pursue and dodge mean opposite thing. Pursue मतलब किसी चीज को करना, dodge means to skip, like to move away from something. जैसे कहते हैं ना, you are pursuing your graduation, मतलब किसी चीज को करना, और dodge कहीं चीज से भागना, मतलब किसी से दूर भागना, right? So these are opposites, these are antonyms. बाकी इन दोनों purpose provide में कुछ relation नहीं है, so the answer will be A and C. So A, C are related. They are antonyms. ठीक है, pursue मतलब किसी चीज को you carry on with something. Dodge means to run away from something. Again, you have to find a pair which is either synonym or antonym. ठीक है, एक वैरायटी ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी आएगा ही आएगा करके ऐसा. मेडल मीन ऑनर इंटरफेयर. सो मेडल मीन्स, मेडल एंड इंटरफेयर मीन द सेम थिंग. मतलब मेडल मीन्स टू keep interest in someone else's things, right? So if you interfere with someone, that is called meddle. So A and D are synonyms. Okay. So let's see the next question. Which is the most appropriate antonym of the given word? Repulsive. इसकी वो कैप सीटी जैसी नहीं आएगी. जैसे सीटी में बहुत ऑकवर्ड से, बहुत अजीब अजीब से वर्ड पूछते थे, उतने डिफिकल्ट नहीं आते. स्नैप वगैरह में कभी कभार एक आध पूछते थे डिफिकल्ट, इसमें जनरली मॉडरेट हो सकता है. मतलब एक आधा दो वर्ड कोई ऐसे हो गए जो डिफिकल्ट आ गए, जस्ट अवॉइड दोस. यू डोंट स्पेंड योर टाइम थिंकिंग इसका मीनिंग निकालते हैं बैठ के, ठीक है. अगर आरसी में वर्ड पूछा है तो आप सेंटेंस पढ़ के समझ सकते हो, बट ऐसे सिनोनिम एंटोनिम कभी अटेम्प्ट नहीं कर सकते. सो इट इज लाइक इंस्टेंट, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, दिमाग खराब ही नहीं करना, ठीक है. यू कैन नॉट थिंक ऑफ अच्छा हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता, नहीं, जस्ट अवॉइड दैट, ठीक है. अगर नहीं आता तो नहीं निकलता. सो रिपल्सिव मीन्स लाइक विच गोज अवे फ्रॉम समथिंग, मतलब जो रिपल्स करते हैं, राइट. सो अपोजिट इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का ऑपोजिट होता है, ठीक है. हाँ, सीईटी में तो कुछ भी पूछ रहे थे, वैसा नहीं आएगा. वैसा नहीं कि शशि थरूर की डिक्शनरी से नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा. हो सकता है मे बी वन और टू माइट बी डिफिकल्ट, उन दो को अवॉइड करना है, राइट. फोकस ऑन व्हाट यू नो, डू नॉट ब्रेक योर हेड इन थिंग्स दैट यू डू नॉट नो. दैट इज द स्ट्रेटेजी टू क्रैक एग्जाम्स. लोग क्या करते हैं, उन चीजों में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं जो नहीं आ रहा है. अरे नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो, जस्ट स्किप दैट. क्वांट में कोई क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, उसे अवॉइड करो, ठीक है. उसे सॉल्व करना बहादुरी नहीं है. दैट्स द फूलिश थिंग इफ यू आर सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस. प्रैक्टिस में कर लिया, सही बात है, बट एग्जाम में द स्ट्रेटजी इज टू सॉल्व इजी क्वेश्चंस. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी के एक मार्क्स से दो मार्क्स है, सारा बराबर मार्किंग है, ठीक है. तो व्हाई टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड वेस्ट टाइम. तो ये मेन चीज होती है जिसमें आपके काफी मतलब इंप्रूवमेंट हो सकता है. नाउ व्हाट डज कंटेंप्लेट मीन. अब ये हो सकता है, ठीक है, किसी ने ये वर्ड, हर किसी ने नहीं सुना होगा, तो ये थोड़ा मैं कहूंगा मॉडरेट लेवल पे आ जाएगा.
कंटेम्पलेट कंसील का मतलब होता है हाइड, कंसील होने लगा। अब देखो ये थोड़ा लाइक मे भी किसी के लिए हो सकता है जो रीड करता होगा, जो थोड़ी जिसकी वोकैबुलरी ठीक ठाक होगी वो कहेगा ठीक है ये डूएबल है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं सुना होगा वर्ड, मतलब सुना होगा पर मीनिंग नहीं पता होगा। ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन होता है कि हमने सुना होता है कंटेम्पलेट, फिर उस समय एकदम से मीनिंग ध्यान में नहीं आ रहा होता है, तो भी अवॉइड करना है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, डू नॉट ब्रेक योर हेड, जितना सोचोगे टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, सो कंटेम्पलेट 10 सेकंड स्ट्राइक हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ जस्ट यू कैन मार्क दैट क्वेश्चन फॉर रिव्यू, कम बैक टू इट लेटर। ठीक है, ओके, सो कंटेम्पलेट मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग। ठीक है, मतलब किसी चीज के बारे में सोच समझ के विचार करके किसी चीज पे काम करना। ठीक है, कंटेम्पलेट मीन्स दिस, सो दिस मीनिंग इज कंसीडर, सो पुट थॉट इनटू समथिंग। ठीक है, किसी पे सोच विचार करके काम करने को कंटेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, सो द आंसर इज कंसीडर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, राइट? आई वुड से कि लाइक अगर कोई अबव एवरेज पर्सन है दैट वुड नो दिस वर्ड, बट मे बी इफ यू डू नॉट नो दैट इज नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। हो सकता है कि हर किसी को हर वर्ड नहीं होता ना, आप 1000 वर्ड याद करके गए, उसके बियॉन्ड कुछ पूछ लिया तो कुछ नहीं कर सकते ना। सो जस्ट इट जस्ट बी फाइन, राइट? डू नॉट थिंक टू मच ऑन दिस कि मुझे नहीं हुआ। अब ऐसी इडियम्स एंड फ्रेजेस है, आपने एक लिस्ट याद कर ली 100 इडियम्स फ्रेजेस की, ठीक है, उसके बाहर का कुछ पूछ लिया, सो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। जीके भी ऐसी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू? नाउ दीज आर प्योर नॉलेज बेस्ड थिंग्स। ठीक है, आप ऐसे यूज जनरली नहीं करते हो, हाँ कभी आपने पढ़ा होगा तो याद रहता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हाँ, सो मेनी टाइम्स इट माइट हैपन दैट यू माइट हैव हर्ड समथिंग बट नहीं स्ट्राइक कर रहा होता, इट इज परफेक्टली फाइन। डोंट फील गिल्ट अबाउट थिंग्स दैट यू डू नॉट नो, बी कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग्स दैट यू नो, है कि नहीं? सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स लाइक समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड थिंग इज कॉल्ड बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, सो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स टू डू समथिंग इंस्टेंटली। ठीक है, कहते हैं तुरंत किसी चीज को करना, दैट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ठीक है, ओके, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। कुछ कुछ इडियम फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसको आपने मतलब किसी चीज से रिलेट करके अगर याद किया होता है, वैसे मतलब मेनी टाइम्स दे आर लिंक्ड विद सर्टेन थिंग्स, मतलब कोई रीजन होता है जिससे वो बने होते हैं। ठीक है, सो क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो इसको याद जब करते हैं तब कैसे याद करते हैं, जनरली जैसे अगर कोई सिखा रहा होता है तो ये बताते हैं कि क्लाउड किस चीज से एसोसिएटेड होता है। कहते हैं ना बादल छाए हुए हैं, ठीक है, अंधेरे के बादल, सो क्लाउड्स आर एसोसिएटेड विद डार्कनेस। ठीक है, क्लाउड्स हम किस लिए मतलब वी एसोसिएटेड, क्लाउड्स आर डार्क, डार्क सिंबल ऑफ डार्क। ओके, नाउ एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, नाउ इट इज डार्क समथिंग विच इज डार्क बट इट हैज अ पॉजिटिव थिंग, मतलब नेगेटिव में कोई पॉजिटिव थिंग है, सो दैट मीन्स एडवर्स कंडीशंस डू नॉट लास्ट फॉर एवर। तो ये इसका मीनिंग होता है।
तो इसको कभी कभी विजुअलाइज करते हैं, जैसे कुछ फ्रेजेस, कुछ तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ तो ऐसे होता है दैट यू कैन नॉट लाइक आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ ऐसा नहीं कि नीले से कहीं निकल के आ गया या कुछ, ठीक है। मतलब उसको भी ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, आसमान से कुछ चीज निकल के आ गई अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मींस दैट देयर आर एडवर्स कंडीशंस, दे डू नॉट लास्ट फॉरएवर, सो विद आफ्टर एडवर्स कंडीशंस पॉजिटिव थिंग्स कम, ठीक है। ओके, सो लेट अस डू सम पैरा जंबल्स। इम्पोर्टेंट मतलब कॉमन यूज फ्रेजेस कभी कभी उससे आ जाता है। या सिल्वर लाइन मीन्स होप, खाली सिल्वर लाइन अगर बोलते हैं तो दैट इज अ सिंबल ऑफ होप। CADB, ओके, हम इसे सेइंग CABD, ओके। सो लेट अस सी, देखो ऑस्ट्रिच एंड इमू, लो कुछ कुछ प्रोनाउंस और वो सबका चीजें होती हैं, ठीक है। लाइक दे फेल, देयर वाइल्ड, सो इनसे पहले कोई चीज पूछ रहा होगा कि दे मतलब दे के नॉट बी दिस, मतलब दिस के नॉट बी द स्टार्टिंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो प्रोनाउन से जनरली स्टार्ट नहीं होता, एक रूल होता है, मतलब नॉट नेसेसरी, ठीक है। बट देयर वाइल्ड स्क्वैकिंग ब्रॉट द अदर एनिमल्स टू द पिट, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा होगा, इन दोनों की बात कर रहा, ऑस्ट्रिच एंड ईमू, ठीक है। तो नाउ लेट अस आउट ऑफ सी एंड डी, इफ वी सी ऑस्ट्रिच एंड ईमू वर रेसिंग इच अदर अक्रॉस द ऑस्ट्रेलियन आउटबैक, ऑस्ट्रिच एंड ईमू ट्राइड टू जंप आउट ऑफ द पिट। तो ये बात की स्टोरी होगी, ये पहले की बात कर रहा है, ठीक है। दे वर रेसिंग इच अदर, ठीक है। सडनली दे फेल, ये भाग रहे थे फिर ये गिर गए, ठीक है। गिर गए तो फिर क्या हुआ कि देयर वाइल्ड क्वैकिंग ट्रैप फूलिश एनिमल्स लाइक देम हु वर्न वॉचिंग वेयर दे वर गोइंग, ठीक है। सो वहां पिट में गिर गए एंड अब बी और डी बचे, ठीक है। सो वी हैव टू सी बी और डी में से कौन सा पहले आना चाहिए। देयर वाइल्ड क्वैकिंग ब्रॉट द अदर एनिमल्स टू द पिट, ऑस्ट्रेलियन इमू ट्राई टू जंप आउट द पिट बट इट वाज टू डीप। तो पहले ये आएगा, मेक्स मोर सेंस दैट इफ यू हैव दिस फर्स्ट। सो दे फेल इनटू द डीप पिट एंड दे ट्राइड टू जम्प आउट ऑफ द पिट, सो दैट वॉज थर्ड पॉइंट। और फिर वो हल्ला मतलब उनके हल्ले से बाकी एनिमल्स भी आ गए, सो CADB, सो दैट मेक्स द सेंस। मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, CAVD भी कर सकते हैं कुछ लोग, ठीक है, बट दैट इज अ बेटर वर्जन, ओके।
सो इट सेज दैट लाइक ही से चल रहा है और एक सेंटेंस बात कर रहा है. इसको देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करना चाहिए राइट. लाइक सिंस हियर यू हैव दैट ऑप्शन एलिमिनेशन राइट. ही दिस इज एन इंग्लिश पैसेंजर राइट. ही किसको रेफर कर रहा है. ही इज रेफरिंग टू द इंग्लिश पैसेंजर राइट. सो पहले तीन तो रिजेक्ट कर सकते हो. ठीक है चलो ऐसे ऑप्शन से ट्राई करने की कोशिश करते हैं. तीन हमने रिजेक्ट कर दिए. नाउ वी नो इट स्टार्ट्स विद बी. दैट इज इजी टू फिगर आउट कि पहला सेंटेंस कौन सा है. नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज बी ए और बी डी. ठीक है बी ए अगर करते हैं एन इंग्लिश पैसेंजर काइंडली टू मी ड्रू मी इन टू कॉन्वर्सेशन ही ऑल्सो एडवाइज. ठीक है ऑल्सो का मतलब क्या होता है कि ऑल्सो का मतलब कि उसने कोई और चीज भी की है. ठीक है ही डिड सर्टेन उसने ये किया वो किया वो किया ही ऑल्सो डिड थिंग्स. ठीक है मतलब तो ऑल्सो नहीं आ सकता. ऑल्सो से मतलब की है कि ही डिड सर्टेन थिंग्स अदर थिंग्स ऑल्सो. ऑल्सो तभी आता है जब पहले कोई और चीज भी होगी. ठीक है सो दैट मीन्स बी ए नहीं होगा. ठीक है एक ही ऑप्शन बच रहा है बी डी एस ही देख लेते हैं. एन इंग्लिश पैसेंजर टॉकिंग काइंडली टू मी ड्रू मी इनटू कॉन्वर्सेशन फाइन. ही आस्क मी व्हाट आई एट वेयर आई वाज ये भी ठीक है. फिर ही आल्सो एडवाइज मी टू कम टू टेबल. ठीक है और पहले उसने हमसे इससे बात की फिर उसने पूछा तुम क्या खाते हो क्या करते हो ये सब और फिर उसके बाद टेबल पे आने का खाने के टेबल पे. ठीक है एंड देन ही लाफ्ड एट दिस. ठीक है राइट सो दैट इज बी डी एस That makes sense. ठीक है so also मतलब जब भी यूज होता है उससे पहले कोई चीज होनी चाहिए. यू डू नॉट से ऑल्सो इन द फर्स्ट सेंटेंस. ठीक है ऑल्सो से पहले कुछ और भी. ही ऑल्सो एडवाइज उससे पहले भी उसने कुछ किया होगा. देन एडवाइज वॉज द सेकेंड थिंग दैट ही डिड. सो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो. मे बी अगर पांच सेंटेंस वाला है तो इस तरह से कर सकते हो. Tensions and sometimes conflict remain an issue in and between the 11 states in Southeast Asia. China's rise as a regional military power and its claims in the South China Sea have become an increasing pressing security concern for many Southeast Asian states. जो पैराजेंबल्स के कुछ एक रूल्स होते हैं लाइक प्रोनाउंस शुड फॉलो नाउंस. कभी क्रोनोलॉजी होती है. ठीक है सो दे हैव टू बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. देन यू फाइंड सम पेयर्स. ठीक है एंड देन डू अकॉर्डिंगली टाइप्स. रिमेंबर वन थिंग ऑप्शंस आर लाइक कैट में क्या होता है. कैट में ऑप्शन ही देते हैं. दे आस्क कि खुद से बनाओ. ठीक है तो दैट कुड बी ट्रिकी. बट व्हेन यू आर गिवन फोर सेंटेंसेस एंड ऑप्शंस ट्राई टू सी ऑप्शंस. कुछ लिंक बना के ऑप्शंस देखो. ठीक है तो उससे हिंट मिलती है. कभी कभी ऐसा होता है दिमाग ज्यादा लग रहा होता है नहीं समझ में आ रहा कैसे बनेगा. ठीक है होता है चार सेंटेंसेस में भी हो जाता है. चाइनीज अब देखो चाइनाज में भी हो सकते हैं सी से भी स्टार्ट हो सकता है. ठीक है राइट इन दोनों में से किसी से भी स्टार्ट होता है. बी से भी स्टार्ट हो सकता है ए से भी हो सकता है. टेंशन एंड समटाइम्स डी से तो स्टार्ट नहीं होगा और ऑप्शन भी नहीं है. ठीक है दीज कंसर्न्स. ठीक है दीज कंसर्न्स तो इससे पहले कोई कंसर्न होगा. कौन सा कंसर्न है यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न की बात कर रहा है. सो दैट मीन्स बी के बाद डी आना चाहिए. ठीक है बी डी इज अ पेयर सिक्योरिटी कंसर्न दीज कंसर्न. आप सारे ऑप्शन में देख लो बी डी कहाँ पे आ रहा है. एक ही ऑप्शन में आ रहा है. ठीक है तो चेक करते हैं कि क्या ये सही है कि बीच में कोई सेंटेंस आता है कि नहीं. ठीक है सो दैट जनरली हैपेंस राइट. हमने एक पेयर बना लिया. ऑप्शन में देखो अगर एक से ज्यादा में मैच करे तो फिर ऑप्शन पे ऑप्शन चेक करते हैं. ठीक है सो अभी हमने बी डी पेयर माना तो लेट अस अज्यूम कि ये सही है. चांसेस है सही हो सकता है
लेट अस सी बाकी सेंस बन रहा है, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं। सीएबीडी, सी से सिंस द 1990s, सो जनरली ऐसा सेंटेंस कि जिसमें सिंस दिस टाइम या तब से ये चला आ रहा है, दोज आर जनरली स्टार्टिंग पॉइंटर्स, ठीक है, नॉट नेसेसरी ऑलवेज, बट कई बार इस तरह के स्टार्टिंग वाले सेंटेंस होते हैं कि सिंस दिस ईयर समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। द सिक्योरिटी एनवायरमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हैज बीन बोथ कंटिन्यूटी एंड प्रोफाउंड चेंजेस, ठीक है, तो उसमें चेंजेस आए वो सब बात कर रहा है। ए सेज टेंशन एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट रिमेन एन इश्यू, ठीक है, वो ये बात कर रहा था, उसी को आगे बढ़ा रहा है कि व्हाट आर दीस लाइक देयर आर सम इश्यूज, ठीक है, बिटवीन 11 स्टेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। देन बी में आ रहा है चाइनीज राइज एज अ रीजनल मिलिट्री पावर एंड इट्स क्लेम्स इन द साउथ हैव बिकम एन इंक्रीजिंगली प्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है, हाँ मेक्स सेंस, एंड दीज कंसर्न्स, ठीक है, सो दैट मेक्स सेंस, सो सी ए बी डी इज द राइट आंसर, ठीक है, तो पेयर बना के नहीं। सो देयर आर फ्यू वेज, लाइक एक तो होता है प्रोनाउंस आइडेंटिफाई करो, ठीक है, एक होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर चीजें दी होती हैं, इफ यू कैन फाइंड अ पेयर, लाइक इफ तो इन दोनों में हमने पेयर निकाल लिया था, वी वर एबल टू डू दोस, ठीक है, सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दोस क्वेश्चन। नाउ दिस इज स्लाइटली मॉडरेट लेवल, अदर टू वर इजी, सो इजी टू मॉडरेट ही आता है हर सेक्शन में, किसी सेक्शन में डिफिकल्ट नहीं आता, ठीक है, बहुत स्पीड चाहिए होती है करने के लिए। इमेजिन लाइक 160 क्वेश्चंस टू बी डन इन 150 मिनट्स, ठीक है, आदमी थक जाता है, ढाई घंटे कहाँ इतने क्वेश्चंस करना, ठीक है, और थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई या फंस गया तो फिर बच्चा वैसे ही फंस जाता है, सो दैट इज द केस। सो टुडे वी विल हैव दिस क्लास, रिविजन क्लास फॉर इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरमेंट, दैट इज जीके एट 8 PM, can attend that class, ठीक है, सो अटेंड दैट सो दैट यू गेट टू नो कि इसमें किस किस तरह के questions आप expect कर सकते हो। Current affairs आता है mostly, right, out of 35 out of 40 current affairs आता है, तो current affairs का एक session होगा, ठीक है, बस देख लेना क्या जा रहा है, क्या पता ऐसा हो गया आपने कुछ देखा उसमें से 8-10 questions strike हो गए, at least वो mark करके बाकी आप छोड़ के जाओगे, उसका score count नहीं होता percentile में, ठीक है, but the thing is मतलब बोलते हैं कुछ colleges consider करते हैं, but we do not know which colleges consider that। सीईटी से ज्यादा टाइम है सर क्वेश्चन वाइज, सीईटी से ज्यादा टाइम है, पर इसमें ये देखो सीईटी में भी देखो, सीईटी जो इजी वाला आता है ना उसमें लोग कितना कर पाते हैं, मतलब क्वेश्चन वाइज ज्यादा टाइम है, पर देखो इसमें बहुत ज्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन और वो सब आता है ना, थिंक दैट वे, लाइक 40 क्वेश्चंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, 40 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट, मतलब 80 क्वेश्चन इसमें तो आप लगा लो 80 क्वेश्चन करने में आने थक जाता है बहुत, ठीक है, 80 क्वांट और डीआई के क्वेश्चन, इसमें आपको कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करनी है हर क्वेश्चन, ठीक है, तो सीईटी में भी तो देखो क्वांट कम आता है ना, 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और जैसे मैंने कराए थे कुछ कुछ लेंथी भी आ सकते हैं, दो दो तीन तीन लाइन के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सो लगता है देखे देखना तब पता चलेगा, 140 से ऊपर बहुत कम कोई जा पाते हैं। दैट ईयर व्हेन आई डिड आई गॉट लाइक अराउंड 140, मैंने वो जो पहला सेशन लिया था उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था मेरा स्कोर, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर एक्यूरेसी कम ज्यादा रही होगी, क्वांट और डीआई में तो फुल एक्यूरेसी होती है, उसमें तो कॉन्फिडेंस रहता है, उसमें मेरा ऑलमोस्ट 100% स्कोर था, सो दैट वे अकॉर्डिंग 140 के करीब मेरा स्कोर आया होगा, तो चैलेंजिंग रहता है, मतलब इट लुक्स इजी कि हो जाएगा पर नहीं होता, लाइक रहता है, जैसे सीईटी में भी ठीक है कुछ कुछ ऐसे होते हैं टॉपिक्स दैट यू कैन डू फास्ट, ठीक है, ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास, ठीक है, आई होप यू एंजॉयड सॉल्विंग द क्वेश्चंस, प्लीज डू लाइक द वीडियो, और शाम को जीके का एक सेशन होगा वो भी अटेंड कर लेना, दैट माइट ऑल्सो हेल्प यू, ठीक है, और जो बाकी है जैसे कुछ और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके आती है, so that will be helpful for those people as well, okay, all right, so thanks for watching this, have a great day, goodbye.